अगर किसी इंसान की मृत्यु के बाद उसका विधि विधान से अंतिम संस्कार ना किया गया हो या फिर किसी की अचानक डेथ हो जाए यानी अकाल मृत्यु हो जाए, तो उस इंसान से जुड़े परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का दंश झेलना पड़ता है। इसके साथ ही पितृदोष के अशुभ प्रभाव से बचे रहने के लिए लाइफ लॉन्ग कुछ ना कुछ रेमेडीज करने पड़ते हैं। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत ही जल्द पितृपक्ष की शुरुआत होने वाली यानी श्राद्ध का समय शुरू होने वाला है, तो इस दौरान जो है आप कुछ रेमेडीज करके अगर आप पे पितृदोष है तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे कि हम पे पितृदोष है, तो इसीलिए आज मैं आपको इस वीडियो में उसके लक्षण और उपाय दोनों बताने वाली हूँ कि कैसे जानना है कि पितृदोष आप पे लगा हुआ है और अगर पता चल जाए तो क्या रेमेडीज करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि पितृदोष के लक्षण क्या होते हैं। सबसे पहला लक्षण, अगर किसी इंसान पे पितृदोष होता है तो ऐसे इंसान के जीवन में संतान का सुख नहीं मिल पाता है, यानी कि ऐसे इंसान को जो है बच्चा नहीं हो पाता है। अगर मिलता भी है तो कई बार जो बच्चा होता है वो विकलांग हो जाता है, यानी कुछ उसको इश्यूज होते हैं, मंद बुद्धि हो जाता है या फिर चरित्रहीन होता है, या फिर कई बार बच्चे के पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। दूसरा लक्षण, नौकरी और व्यवसाय में यानी जॉब और बिजनेस में मेहनत करने के बाद भी हमेशा लॉस होते रहते हैं। तीसरा आपको क्या लक्षण दिखेगा, परिवार में अक्सर कलह बने रहना या फिर यूनिटी नहीं होना, फैमिली में शांति का अभाव। इसके अलावा परिवार में किसी ना किसी इंसान को हमेशा जो है बीमार आप देखेंगे तो भी ये पितृदोष का लक्षण है। ट्रीटमेंट कराने के बाद भी वो इंसान ठीक नहीं हो पाता है। इसके अलावा एक और लक्षण है कि परिवार में विवाह योग्य लोग जो हैं उनकी भी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर शादी के बाद तलाक हो जा रहा है, या फिर जो है सेपरेशन हो जा रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पितृदोष के लक्षण हैं। हमेशा धोखा भी मिलता है पितृदोष अगर किसी पे लगा हो तो। साथ ही पितृदोष होने पे व्यक्ति बार बार एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, उसके लाइफ में जो है मांगलिक कार्यों में बाधाएं आती हैं, फैमिली के मेंबर्स पर अक्सर जो है प्रेत बाधा का प्रभाव बने रहता है, घर में अक्सर टेंशन और कलेश रहता है, तो ये पितृदोष इस कारण से होता है। पितरों का विधिवत अंतिम संस्कार और श्राद्ध नहीं होने की वजह से पितृदोष जो है लग जाता है, पितरों की विस्मृति या अपमान करने की वजह से भी लग जाता है, धर्म के विरुद्ध आचरण करने से लग जाता है, पीपल नीम या बरगद के पेड़ों को कटवाने से भी पितृदोष लगता है, नाग की हत्या करना या फिर किसी से करवाना ये भी पितृदोष का जो है कि इससे लगने के चांसेस होते हैं। अब क्या उपाय करना है, तो सबसे पहला आपको उपाय करना है पितृदोष को ठीक करने के लिए कि आप जो है पूर्वजों की मृत्यु के बाद या उनकी जो निधन की तिथि है, जो उनकी डेथ एनिवर्सरी जो होती है, उस पर ब्राह्मणों को श्रद्धापूर्वक आप खाना खिलाइए और यथाशक्ति दान भी कीजिए। दूसरा, घर के पास में लगे पीपल के पेड़ पर दोपहर में जल चढ़ाइए। तीसरा, फूल, अच्छा दूध, गंगा जल और काले तिल भी चढ़ाइए। पितृजनों को याद करें। शाम के वक्त रोजाना दक्षिण दिशा में साउथ डायरेक्शन में एक दिया जरूर जलाइए। अगर रोज नहीं जला सकते हैं तो कम से कम पितृपक्ष में यानी जो अभी आने वाला है टाइम उसमें जरूर जलाइएगा। कुंडली में पितृदोष दूर करने के लिए किसी गरीब कन्या का विवाह करने या फिर विवाह में शादी में मदद करने से भी आपको लाभ होता है। तो ये कुछ रेमेडीज हैं जो आप पितृदोष जब लग जाए तो उससे आप बचने के लिए कर सकते हैं। बाकी पितृपक्ष की बहुत जल्दी शुरुआत होने वाली है तो उससे रिलेटेड और भी जानकारियां हम आपको अपने चैनल पर अपलोड करके देंगे। ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों ना आपको पितृदोष के बारे में बताएं, तो इसीलिए पितृदोष की जानकारी दी कि कैसे पता करना है कि पितृदोष चुका है और अगर लग गया है तो कैसे उससे बचना है। बहुत ही आसान रेमेडीज बताए हैं। बाकी अगर लगता है आपको कि किसी पंडित से आपको कांटेक्ट करना चाहिए तो जरूर कीजिएगा। पितरों की आत्मा की शांति कराना बहुत जरूरी होता है और कहते हैं कि भगवान से भी बढ़ के पितर होते हैं क्योंकि हम उन्हें उनके अनुसार ही मानते हैं। वो ऐसे हैं जो ऊपर से हमें आशीर्वाद दे रहे होते हैं, तो उनकी शांति बहुत जरूरी है। इसीलिए पितृपक्ष में बहुत सारी और खास वीडियोज मैं अपलोड करूंगी आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर, लेकिन उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। फिलहाल इतना ही, मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, किसी का दिल मत दुखाइए और देखते रहिए धर्मा लाइव। नमस्कार।